नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, यदि आप किसी रोग या अन्य शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं और दवाओं का असर भी ठीक से नहीं हो पा रहा है तो ये चिंता का विषय है। जब दवाओं का भी असर ना हो तो संभव है कि किसी नकारात्मक शक्ति का बुरा असर आप पर हो सकता है। ऐसे में उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आंकड़े के चमत्कारी उपाय अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आंकड़े का पौधा आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पैकेज में हम आपको बताएंगे एक प्राचीन चमत्कारी उपाय जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी, साथ ही धन की कमी से भी आपको राहत मिलेगी। पेड़ पौधे का सबसे बड़ा फायदा है कि उसमें हमें प्राण वायु ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से ही प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और सभी मौसम नियमित रहते हैं। हर परिस्थिति में हरियाली हमारे लिए फायदेमंद ही है। इन फायदों के साथ ही शास्त्रों के अनुसार पौधे के कई धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बताए गए हैं। एक चमत्कारी पौधा है आंकड़े का पौधा। इस पौधे के कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। आंकड़े का पौधा ऐसा है जिससे हम कई चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घर या घर के आसपास ये पौधा हो तो ये काफी फायदेमंद रहता है। इस पौधे को आंख और अकोवा नामों से भी जाना जाता है। ये सामान्यतः जंगलों में आसानी से पनप जाता है, लेकिन शहरों में भी ये आसानी से दिखाई दे जाता है। ये पौधा जहाँ कहीं खाली बंजर जमीन होती है वहाँ पनप जाता है। ये एक विषैला पौधा है। आंकड़े के पौधे से सफेद दूध भी निकलता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा नकारात्मक शक्तियों से, बीमारियों से, बुढ़ापे की परेशानियों से करनी हो तो उसे आंकड़े के पौधे का ये उपाय अपनाना चाहिए। उपाय के अनुसार आंकड़े के पौधे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा गले में ताबीज के साथ धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, ताबीज के लिए काले धागे का ही प्रयोग करें। मार्केट में कई प्रकार के ताबीज आसानी से मिल जाते हैं, अतः उस ताबीज में आंकड़े की जड़ को डालकर धारण करें। इस उपाय से आपके शरीर की रक्षा होगी, क्योंकि ये ताबीज किसी कवच के समान काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो वो रवि पुण्य के दिन आंकड़े एवं अरंड की जड़ निमंत्रण देकर तोड़ कर ले आए। जड़ तोड़ने से पहले जड़ को निमंत्रण दें कि आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद घर पर इन जड़ों को गंगा जल से धोएं, सिंदूर आदि पूजन सामग्री अर्पित कर पूजन करें। पूजन के दौरान श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। शास्त्रों के अनुसार आंकड़े के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर या घर के सामने हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके फूल सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं। विद्वानों के अनुसार कुछ पुराने आंकड़ों की जड़ में श्री गणेश की प्रतिकृति निर्मित हो जाती है, जो कि साधक को चमत्कारी लाभ प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के समीप आंकड़े का पौधा होता है, उस घर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों को तांत्रिक बाधाएं कभी नहीं सताती। घर के आसपास सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है, जो कि हमें सुख, समृद्धि और धन प्रदान करता है। ऐसे लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और जहाँ जहाँ से ये लोग कार्य करते हैं वहीं से उन्हें धन लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, देखा आपने आंकड़े का पौधा लगाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।